अगर आपने राइटर बनना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आप लिखें, और उसकी और भी फेजेस हैं, लिखने से पहले की भी और लिखने से बाद की भी। यानी कि पहले आप रिसर्च करते हैं, बाद में उसको एडिट और रीराइट करते हैं। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि जब आप लिखते हैं तो उसको कैसे आप अमल को, उस प्रोसेस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बना सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। एक तो यह कि एनवायरनमेंट उसकी आपको अच्छी बनानी चाहिए जो कि आपके लिए सूटेबल हो, आपके लिए आरामदेह हो। अगर आपको पैर ऊपर रख के काम करने में आसानी होती है तो फिर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर कि आप पैर ऊपर रख सकते हो, फॉर एग्जांपल। सो द एनवायरनमेंट शुड बी नाइस, प्लेजेंट, इंस्पायरिंग, क्लीन। ऐसा ना हो कि आपको बार बार उठना पड़े जब आपकी गैजेट का चार्ज ख़त्म हो जाए और एक्सटेंशन वायर उस आपकी कुर्सी तक ना आती हो, एट्सेट्रा। सो डिस्ट्रैक्शंस कम अज़ कम हो और कन्वीनियंस हो काम करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सजी हुई जगह हो, बट आपकी ज़रूरत की और कन्वीनियंस की उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। टूल्स आपके, अगर आपको कोई हाथ से लिखने में, जैसे मैं जब लिखती हूँ तो जब मैं ब्रेनस्टॉर्म करती हूँ तो मुझे कंप्यूटर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग में मेरा दिमाग नहीं चलता। मुझे उसके लिए स्टेशनरी चाहिए होती है, मुझे कोई डायरीज़ अच्छी जो हैं वो पसंद आती हैं और मुझे मज़ा आता है उनसे, मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ, उनके साथ मुझे काम करने में मज़ा आता है। तो अगर आपको ये चाहिए चीज़ें, कोई डायरी चाहिए, कोई पेन पेंसिल जो भी, और गैजेट्स की जैसे हमने बात की, ऑल दोज थिंग्स शुड बी विथ यू जब आप बैठें अपने लिखने के लिए। और उसमें अपने आप को जो है स्पॉइल करें, वो चीज़ें मेक श्योर करें कि वो आपके पास हैं ताकि आपका काम में ध्यान लगे। रूटीन फॉलो करें और कोई टाइम जो है उसके लिए फ़िक्स करें, क्योंकि इसमें ये मसला है कि आपने घर में से काम करना है और ख़ुद से करना है, तो ये हो सकता है कि आप उसको मुलतवी करते रहें, या आप कहें चलो सुबह को, कहें शाम को कहें चलो कल सुबह, या कोई और काम करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए अपने आप को रूटीन का पाबंद करें, और बड़े राइटर्स अक्सर इसी तरह करते हैं। दैट्स हाउ दे कम अप विद समथिंग, इंस्पिरेशन का इंतज़ार करने के बजाय। द वैल्यू ऑफ ग्रिट, टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है, दुनिया बहुत से टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है और उसमें से सब कामयाब नहीं है अपने अपने प्रोफेशंस में बावजूद अपने टैलेंट के। पोटेंशियल सब में होता है, लेकिन ये कि जिसमें ग्रिट होती है, जो डिसिप्लिन अपने आप को करके और गिव अप किए बगैर चल सकता है, वो ही जो है वो सक्सेसफुल किसी भी चीज़ में हो सकता है। और इसी तरह राइटिंग भी है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन भी चाहिए होती है, लेकिन ये कि किसी वक्त आपको अपने आप को धक्का देके और परसिवियर करना पड़ता है। दैट्स व्हाट ग्रिट इज़। तो ग्रिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्योंकि आपकी हो सकता है डेडलाइन या कोई मैनेजर आपके सर पे ना हो, तो आपको खुद अपने आप को डिसिप्लिन करना है। दैट्स व्हाई इट्स डबली इंपॉर्टेंट। फाइंडिंग योर फ्लो, हाउ मच प्लान टू फॉलो। प्लान आपने बनाया है, रिसर्च की है, हो सकता है आपको लिखते लिखते फ्लो में कोई और बात याद आ जाए और आपको लगे कि हाँ ये भी मैं ऐड कर दूँ, तो उसको आप ज़रूर करें। आउटलाइन और प्लान इसलिए होता है कि ताकि आपका कोई ना कोई स्ट्रक्चर रहे, और इसलिए नहीं होता कि आपकी क्रिएटिविटी को लिमिट करे। अगर आपको लगता है कि कैरेक्टर किसी और तरफ जा रहा है या कोई और आपको पॉइंट्स याद आ गए हैं, किसी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आप लिख रहे हैं उस पर, तो उसको ज़रूर शामिल करें। आउटलाइन इज़ नॉट मेंट टू लिमिट यू, इट्स ओनली मेंट टू सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर द फ्लो। सो गो विद द फ्लो व्हेन यू राइटिंग, उसको लिमिट ना करें। द कर्स ऑफ परफेक्शनिज्म, जो कि एक तो खौफ होता है हमारा कि हमने चीज़ परफेक्ट बनानी है, अगर परफेक्ट ना निकली तो क्या होगा, सब हंसेंगे या क्या। और दूसरा एक ये प्रॉब्लम होता है कि जिस वक्त हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसको एडिट करने और उसको परफेक्ट करने के लिए 2 स्टेप्स पीछे चले जाते हैं। सो वी डोंट गेट मच डन। सो जिस वक्त लिख रहे हैं अपने फ़्लो को फॉलो करें, लिखते जाएँ, और जब लिखने का काम ख़त्म हो जाए तो फिर उसको दोबारा से उसकी नोक पलक दुरुस्त करें और उसको रीराइट और एडिट करने के लिए बैठें, बट अपना फ्लो जो है उसको डिस्टर्ब ना करें। राइटर्स ब्लॉक, ये लैक ऑफ इंस्पिरेशन भी हो सकती है और इंक्यूबेशन पीरियड भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड एक क्रिएटिव प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसमें कि आपके पास इंफॉर्मेशन चली गई सारी, आपने रिसर्च कर ली, आइडियाज़ आपके पास हैं, अब वो आइडियाज़ आपके दिमाग में राइप हो रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, और उसके बाद वो उनकी कोई शक्ल निकलेगी तो फिर वो जो है सामने आएंगे। एक मैं टेड टॉक देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें खाली वक्त इसलिए ज़रूरी है कि खाली वक्त या जिस वक्त हम बोर हो रहे हैं उस वक्त हमारा दिमाग जो है वो क्रिएटिव, ये प्रोसेस उसका चल रहा होता है और उस वक्त वो सॉल्यूशंस निकालता है। तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी प्रोसेस उस वक्त होती है जब आप फारिग बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक रिसर्च जब की और उन्होंने उसमें ये बताया, जो कि इसमें टेड टॉक में वो कोट कर रही थी, कि जब आप सारा वक्त अपने सेलफोन को देख रहे होते हैं और अगर आप कई साल ऐसे करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी नीचे चली जाती है, कम हो जाती है। हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा हो, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी कम होती जाती है उसके साथ। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका कोई खाली बोर होने का टाइम हो, जिसमें कि आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है या उन आइडियाज़ जो आपने इकट्ठे किए हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, विच इज़ ओके। उसके लिए आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, अगर राइटर्स ब्लॉक आ गया, आप लिखने बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ बन नहीं पा रहा, तो फिर अपने आप को पनिश ना करें। ये जैसे नींद होती है, आप अगर आपको नींद नहीं आ रही और जितनी कोशिश करते हैं उतनी नींद दूर भागती है, इसी तरह राइटिंग का भी है कि उसको थोड़ा सा ब्रेक दे दें, अपने आप को उठें, चले फिरें, गेट सम एक्सरसाइज। और फिर ये है कि अगर आपके पास डेडलाइन है और आपको करना ही है तो ब्रेनस्टॉर्म करें दोबारा से, अपने फ्री आइडियाज़ लिखें, सी व्हाट यू कम अप विथ। और उसके अलावा टाइमर लगा के फ्री राइटिंग करें जिसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कोई किसी किस्म की कैद नहीं है। आपने बस 3 मिनट अपना पेन कागज़ से उठाए बगैर या हाथ उससे कीबोर्ड से उठाए बगैर आपने लिखते जाना है। सो फ्री राइट करें। और कुछ फ्री राइटिंग के लिए आप ब्रॉडर थीम्स रख सकते हैं, जैसे आप अपने आप को कहें कि मैंने 5 मिनट के लिए नॉन स्टॉप लिखना है इमोशंस के बारे में, लव, हेट, जेलसी, एनवी, बिटरनेस, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपने लिखना है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के बारे में लिखें, फ्रेंड्स के बारे में लिखें, पॉलिटिकली लिखें, ग्लोबली लिखें, या हो सकता है आप उसको इमेजिनेशन से अपने कोई स्टोरी क्रिएट करके लिखें। दैट मे हैव नथिंग टू डू विद जो आपका करंट असाइनमेंट है, लेकिन ये आपके फ्लो को दोबारा से वापस लाने में आपकी मदद करेगा। कोई किसी रियल या इमेजिनरी कैरेक्टर के बारे में आप इसी तरह लिख सकते हैं, या कोई एक अपनी फेवरेट बुक का सेंटेंस निकाल के और उसके आगे से का आप कंटेंट उससे फ्लो बना के भी आप लिख सकते हैं। देयर आर सम ट्रिक्स टू गेट यू गोइंग, क्योंकि एंड पे आपके अपने जो बैरियर्स होते हैं, इमोशनल बैरियर्स होते हैं, वही आपको बहुत दफ़ा सक्सेस की तरफ जाने से रोक रहे होते हैं। सो दीज आर सम थिंग्स कि आप किस तरह लिखने के प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं। और फेजेस इन राइटिंग में जो अलग अलग हमने बताया है कि रिसर्च ये होती है और राइटिंग ये, और उसके अलावा री राइटिंग, उसका एक मकसद ये भी है कि आप लिखते वक्त एडिटिंग में अपना फ्लो ख़राब ना करें और अपनी क्रिएटिविटी को लूज़ ना करें। जिस वक्त लिख रहे हो, लिखने को एंजॉय करें, एंड लेट द फ्लो स्पीक फॉर इटसेल्फ।